Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are well. स्वागत है आप सबका. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी कढ़ी की रेसिपी, वो भी बिना पकोड़े के. जी हाँ, बिना पकोड़े के भी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बन सकती है. तो इसके लिए मैंने ली है 1 लीटर लस्सी, बटर मिल्क या छाछ जो भी बोलते हैं आप, और उसमें अब मैं डालूँगी 3 बड़े चम्मच बेसन के. तो आप छाछ की क्वांटिटी, बेसन की क्वांटिटी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है कढ़ी बनाने की उसके हिसाब से कर सकते हैं. मैं 8-10 लोगों के लिए बना रही हूँ कढ़ी. अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ में ही 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर. अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल भी. तो इसको अच्छे से चलाना है आपने. देखिए ये घोल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, बेसन बिल्कुल घुल चुका है. अब मैंने लिया है कुछ हरे लहसुन के पत्ते और साथ में हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी पालक ली और थोड़ी सी मेथी, ये सब भी हम डालेंगे इस कढ़ी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा. मैंने ली है 15 कलियाँ लहसुन की और 4 से 5 मैंने लिए हैं हरी मिर्च, इनको मैं चॉप कर लूँगी बिल्कुल बारीक बारीक. साथ में मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, अभी ये तड़के के लिए लिए हैं, तो इनको भी मैं चॉप कर लूँगी. अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, आप कढ़ाई में भी बनाइए, बनानी इसको खुला ही बनाना है. तो मैंने कुकर में डाले हैं 2 बड़े चम्मच तेल के. अब तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच डाला है मैंने जीरा, और 1 चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया के बीज. तो उनको मैं ऐसे हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ. साथ में 1 या 2 सूखी लाल मिर्च लेंगे हम, और 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स. सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन, तो लहसुन अगर मैं सबसे पहले डालूँगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कढ़ी में लहसुन का. साथ में अब प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी मैंने इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे. अब मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून मैं पहले घोल में भी डाल दिया था और 1/2 टीस्पून मैंने अब डाला है. तो स्वाद अनुसार नमक डालिए. अब मैंने सारा जो घोल बनाया था वो डाल दिया है बेसन का, और साथ में 2 गिलास पानी और डाला है इसके अंदर. अब इसको अच्छे से चलाएंगे फटाफट. 2 आलू लिए हैं मैंने, आलू डालने जा रही हूँ मैं इस कढ़ी में. उसको हम बारीक बारीक ऐसे लंबे लंबे स्लाइस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक भी नहीं करने हैं आपको और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं. साथ में 1 अनियन लिया है बड़ा प्याज, उसको भी हम ऐसे लंबा लंबा स्लाइस कर लेंगे बारीक बारीक. अब जो हमने सारा पालक, मेथी और लहसुन के जो पत्ते लिए थे, धनिया, वो सबको भी मैं चॉप कर लूँगी. कढ़ी को मैं चला रही हूँ साथ साथ, चलाते रहना इसको एक डायरेक्शन में. ये देखिए उबाला आ गया एक कढ़ी के अंदर. तो अब मैं आँच मीडियम कर दूंगी और इसको हिलाऊंगी मैं थोड़ी देर और. 10 मिनट हो चुके हैं इसको चलाते हुए. अब जो मैंने प्याज और आलू काटे थे बारीक बारीक वो मैं इसमें डाल दूंगी. और अब इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे से. 10 मिनट के बाद जो हमने हरे पत्ते सब काटे थे वो इसमें डाल देंगे और 15 मिनट इसको और पकाएंगे. अब मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग. हींग ज़रूरी है इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हींग से. और चलाएंगे इसको, चेक कर लूंगी मैं आलू गले हैं कि नहीं. ये देखिए गले हैं, बट अभी पूरी थोड़ी सी कसर है, पूरी तरह नहीं गले हैं. तो अब इसको और पकाएंगे हम 10-15 मिनट. अब इसमें इस टाइम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला. गरम मसाला ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना तो स्किप भी कर सकते हैं. 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसको. और 10 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी पक चुकी है. अब हम तड़का लगाएंगे. मैंने कड़छी को गरम कर लिया गैस पर, उसमें 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ बटर के. अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप देसी घी भी ले सकते हैं. 1/2 टीस्पून मैं उसमें डालूँगी अब देगी मिर्च. आप ऐसे तड़का जब एंड में लगाएंगे कढ़ी पर तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी का, और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है. अभी मैंने गैस बंद कर दी थी, अब मैं गैस ऑन कर लूँगी.
तो इसको थोड़ा सा देगी मिर्च को पका लेंगे बटर में। और अब ये तड़का हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर। कढ़ी पक चुकी है हमारी, बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं इसको। सर्विंग बाउल में निकाल लिया मैंने, और अब मैं चॉप्ड कोरिएंडर से इसको गार्निश कर दे रही हूँ। इसके साथ आप चपाती और राइस जो भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ये बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।